अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है आपका दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे जी। शर्जील शौकत एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर है डस्का मोटर्स के ऊपर। डस्का मोटर्स के ऊपर आए हैं जी दोस्तों, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त इनके पास गाड़ी होती हैं जब भी आते हैं। आज जो मैं आपको गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ ये भी बड़ी कमाल है। चेक करें जी, हमारे पास एक ये रिवो खड़ा है, बड़ी ज़बरदस्त हालत में है जी, बेहतरीन हालत में गाड़ी है। इसकी आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक हमारे पास ये स्पोर्टेज है, स्पोर्टेज के बारे में आपको बताएंगे, और एक हमारे पास यहाँ पे है जी प्रियस, तो प्रियस की इन्फॉर्मेशन देंगे। तीनों गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पे खड़ी हैं जी डस्का मोटर्स के ऊपर, बड़ी अच्छी हालत में गाड़ियाँ हैं। तीनों की इन्फॉर्मेशन देंगे और बताते हैं कि इन तीनों की क्या डिटेल है, क्या डिमांड की जा रही है, कंडीशन क्या है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि यही राइट टाइम है सब्सक्राइब करने का। चलें वीडियो शुरू करते हैं आज की आपको। तो दोस्तों सबसे पहली गाड़ी जो मैं आपको दिखाऊंगा ये है जी रिवो 2021 मॉडल है दोस्तों। गाड़ी टोटल जेन्युइन हालत के अंदर गाड़ी है जी, फुल लोडेड है ये, और ये है रिवो वी, ठीक है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ये 13,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, 21 मॉडल मैंने आपको बताया, टोटल जेन्युइन है, फुल लोडेड है ये रिवो वी, और सिर्फ 13,000 किलोमीटर ये चली हुई है। गाड़ी की कंडीशन देखिए, बोनट आपके सामने है, ये इसके ऊपर डस्ट पड़ी है, क्योंकि डस्ट इसलिए है, ये देखिए जीटी रोड है यहाँ पर, ये जीटी रोड की वजह से यहाँ पर जो है डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बाकी गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन हालत में है जी, साफ़ सुथरी हालत में, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। रजिस्टर्ड गाड़ी है दोस्तों, ग्रिल आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल साफ़ हालत में है, कोई मसला मसाल नहीं है। इस साइड से भी अगर आपको मैं दिखाऊँ तो गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसका जो है टायर और अलॉय रिम बिल्कुल न्यू और फ्रेश नज़र आ रहे हैं जी। गाड़ी इस साइड से भी बिल्कुल साफ़ हालत में नज़र आ रही है, और हाईलाइट्स है। बाकी अगर आपको मैं दिखाऊं इसका साइड से व्यू दिखाता हूं और इंटीरियर दिखाते हैं, बैक व्यू देते हैं, बैक साइड से भी गाड़ी इसकी, इस साइड से भी गाड़ी चेक करें तो बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में टायर हैं। गाड़ी बहुत अच्छी हालत में दोस्तों, 2021 मॉडल रिवो, और 4x4 आपको पता होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वी की जो यहाँ पर ऑप्शन होती है, आपको पता ही है फंक्शंस उसमें होते हैं, जो ये फुली लोडेड गाड़ी होती है, ठीक है जी। ट्रंक भी इसका बिल्कुल हमें बिल्कुल साफ और नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है दोस्तों। अब देखते हैं इसका इंटीरियर और फिर देखते हैं जी इसकी डिमांड क्या की जा रही है। तो दोस्तों लें जी, मैं इसका दरवाज़ा खोला है आपके लिए, और देखिए डोर की सील जो है वो सारी बेहतरीन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी फुल जो है ना टोटली जेन्युइन कंडीशन के अंदर गाड़ी है। बैक रूम आपने इसका देखा है, और अभी दिखाते हैं हम आपको इसका जो है डैशबोर्ड। उससे पहले आप डोर की सील्स भी देखें, तो डोर की सील्स जो हैं बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में हैं, फुल मल्टीमीडिया सॉरी पावर विंडोज़ एक्टिव हैं सारी। जो स्टेयरिंग है दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, मल्टीमीडिया सारी ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल हैं, और ये पुश स्टार्ट गाड़ी है। गियर ट्रांसमिशन दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक, और स्क्रीन अच्छी वाली बड़ी वाली इंस्टॉल्ड है। डैशबोर्ड बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है दोस्तों, और सीट्स बहुत अच्छी हैं। इसका जो ये कलर है बहुत ही डिफरेंट सा और बड़ा यूनिक नज़र आ रहा है, बड़ा नाइस लग रहा है ये, बिल्कुल बहुत नाइस इसका जो एम्बियंस है इंटीरियर का नज़र आ रहा है मुझे, एम्बियंस नो डाउट दो इसका जो है बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलें दोस्तों अब भाई हेलो एक मिनट बात सुनिएगा, अब दिखाते हैं जी हम आपको इसका जो है बोनट ज़रा खोल देंगे मेहरबानी, अब आपको दिखाते हैं हम गाड़ी का जो है इंजन, और बताते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है और क्या लुक है। तो लें जी दोस्तों इंजन चेक करें आप, माशाल्लाह भाई थैंक यू भाई ने खोल दिया हमारे लिए, और ये है जी इसका चेसिस प्लेट, आप देख करें इंजन दोस्तों बिल्कुल साफ़ हालत में नज़र आ रहा है, कोई मसला नहीं है। 2021 मॉडल, सिर्फ 13,000 गाड़ी चली हुई है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि गाड़ी की क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इंजन बिल्कुल उसकी सूरत हाल के मुताबिक ही है, बिल्कुल सही नीट एंड क्लीन। मैं साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाए, तो बिल्कुल साफ़ है जी, इंजन वाइज गाड़ी बहुत बेहतरीन है। तो डस्का मोटर्स के ऊपर दोस्तों गाड़ी तो खड़ी है, इसकी जो डिमांड की जा रही है ना, अब क्वेश्चन है कि इसकी डिमांड कितनी है। 21 मॉडल रिवो वी है जी, फुल लोडेड है, और इसकी जो दोस्तों डिमांड कर रहे हैं डस्का मोटर वाले ये कर रहे हैं जी 84 लाख रुपीज़ डिमांड है। अब ये डिमांड है, इसमें कमी बेशी डेफिनेट सी बात है, हो सकती है अगर कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड होता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि प्राइस में कमी बेशी हो जाए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ये एक किया स्पोर्टेज है, इसकी इन्फॉर्मेशन टोटल आपको देते हैं और बताते हैं कि क्या डिमांड है, क्या इसकी कंडीशन है और क्या सिचुएशन है जी। किया स्पोर्टेज दोस्तों 2020 मॉडल है जी,
टोटल जेन्युइन गाड़ी है, सिर्फ 28,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है और कंडीशन देखें आप, स्क्रैच लेस है, कोई आपको स्क्रैच नज़र नहीं आएंगे और गाड़ी के अलॉय रिम आप देखें, टायर्स चेक करें तो बेहतरीन शानदार हैं। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड गाड़ी है जी इस्लामाबाद की। और बाकी आप देखिए इसका बोनट देख सकते हैं, बोनट बहुत ही अच्छा लग रहा है जी हमें यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है इसका बोनट का भी। साइड से व्यू लें आप, चेक करें गाड़ी साइड से भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है हमें, तो बिल्कुल न्यू गाड़ी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका इंटीरियर, तो माशाल्लाह चेक करें जी, पहले दरवाज़ा चेक कर लें, दरवाजे की सील्स बेहतरीन है, पावर विंडोज़ डेफिनेट सी बात है और बड़ा ही कमाल व्यू आ रहा है जी मुझे तो। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें, मुझे बताएं कि आपको ऐसा कैसा लगा, ऐसा को मैंने दरवाज़ा खोला तो चेक करें। माशाल्लाह डैशबोर्ड तो बहुत ही ज़बरदस्त हालत में है जी, और गाड़ी जो चली हुई है ना देखें जी, यहाँ तकरीबन 28,000 पूरे भी नहीं चली हुई है, ठीक है। और स्टेयरिंग बिल्कुल ज़बरदस्त क्रूज़ कंट्रोल है, यहाँ पर मल्टी मीडिया सारी ऑप्शन हैं, गेयर ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, सीट्स चेक करें आप, साइड सीट्स बहुत बेहतरीन हैं, छत आपके सामने है नीट एंड क्लीन एंड बहुत अच्छी हालत में गाड़ी है यार, ज़ाहरी बात है फ्रेश गाड़ी है। अब ज़्यादा इसके बारे में क्या मैं बताऊँ, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है कंडीशन इसकी जो है, इंटीरियर एक्सटीरियर टोटल ठीक हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी डिमांड की, तो डस्का मोटर वाले इसकी जो डिमांड कर रहे हैं दोस्तों, ये डिमांड कर रहे हैं 55 लाख रुपीज़, 55 लाख इसकी डिमांड की जा रही है, लेकिन ये डिमांड है, इसमें कमी बेशी हो सकती है। कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड हो जाए तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करें इंशाल्लाह। बाकी यहाँ पे देखें आप, जो यहाँ पे गाड़ी एक और है हमारे पास, प्रियस है ये, प्रियस है तो ये 2011 मॉडल दोस्तों, रजिस्टर्ड ये है जी 15 की। इसकी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको और फिर ख़त्म करते हैं वीडियो। तो दोस्तों 2011 मॉडल प्रियस है, 15 की रजिस्टर्ड है, लाहौर की। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का जो एक फेंडर है ना उसमें टचिंग है, बाकी टोटल गाड़ी जो है ना ये जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। इसकी जो बैटरी है उसकी हेल्थ मैं बताऊँ आपको, तो 91% इसकी बैटरी की हेल्थ है। टायर्स आप देख सकते हैं ABS बिल्कुल ओके हैं इसके दोस्तों। अब चेक करते हैं इसका इंटीरियर, अंदर से देखते हैं गाड़ी की क्या सूरत हाल है, क्या लुक है। दरवाज़ा चेक करें जी, बिल्कुल बेहतरीन है जी, मॉडल के लिहाज से गाड़ी मुझे बहुत शानदार लग रही है। चेक करें आप यहाँ पे इसका जो इंटीरियर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हालत में। मल्टीमीडिया सारी ऑप्शंस हैं जी दोस्तों यहाँ पर, और सीट्स बिल्कुल ओके हैं, सीट्स में कोई मसला नहीं नज़र आ रहा हमें। जो इसका स्टेयरिंग है वो भी बिल्कुल सही ठीक ठाक कंडीशन में नज़र आ रहा है। ओके हो गया दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डिमांड की। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 2011 मॉडल है, 15 की ये रजिस्टर्ड है और ABS बिल्कुल ओके हैं, 91% इसकी बैटरी लाइफ है। और दोस्तों ये चली हुई जो है ना 1,10,000 ये गाड़ी चली हुई है, ठीक है। अब इसकी जो डिमांड की जा रही है डस्का मोटर्स के ऊपर, ये डिमांड कर रहे हैं जी 26 लाख रुपये, 26 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं। ये डिमांड है, इसमें कमी बेशी हो सकती है, अगर कोई भी दोस्त इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह कमी बेशी करवा देंगे। दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने आसपास दूसरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।